यहां आने वाले भक्त माता पर अथाह आस्था रखते हैं। साल भर माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों का मानना है कि चौथ माता भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं और यहां आने वाले भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे में आज करवा चौथ पर भी चौथ माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। सुहागिन महिलाएं चौथ माता के दर्शन कर अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती नजर आई हैं। उनका मानना है कि चौथ माता उनके सुहाग की रक्षा करती है। दिन भर व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को चांद देखकर और माता को अर्घ देकर अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति की सूरत में माता के रूप को देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ हमारे राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है और एक व्रत है जो हर सुहागन अपने पति के लिए की लंबी आयु के लिए रखती है। इसे मतलब ये कार्तिक मास में आती है और इसे मतलब अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने खुशहाल परिवार के लिए, इसलिए इस दिन मतलब हर पत्नी व्रत रखती है अपने पति के लिए। पूजा करते हैं हम इसमें करवा चौथ माता की पूजा करते हैं चौथ माता की और फिर शाम को रात को चंद्रमा के अर्घ दे के फिर अपना व्रत खोलते हैं। आज में खुशी और सुख शांति। आप यहाँ कब से आए हैं, क्या कुछ मान्यता है आपकी माता की? हमारी तो उन्हें जो सुख शांति की मानता बस और कुछ भी नहीं है, शांति बनाए रखे और आने को तो 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल हो गए। आज तो क्या कुछ मान्यता है, महिला तो जो ये मांगती है लंबी उम्र की पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। आपने चौड़ा कला से आए हैं और अपने स्वाद के लिए कामना मांगी है और हमेशा आती हूँ मैं और चौथ को आती हूँ और मेरे को 25 साल से करीब 25-30 साल हो गए मेरे पास आते आते। सारी पूरी हुई है, मेरे बेटे की नौकरी मांगी नौकरी मिल गई, मेरे बेटे की नौकरी मांगी बेटे की नौकरी मिल गई और मेरे जो भी कामना मांगती हूँ मैं पूरी हो रही है। अपने स्वाद के लिए करती है और स्वाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं।